छत्तीसगढ़ में स्वामी आत्मानंद शासकीय अंग्रेजी स्कूल की शुरुआत मुख्यमंत्री की मंशा अनुसार बेहतर शिक्षा देने के लिए की गई है। महज 5 किलोमीटर दूर ग्राम केशवपुर में स्वामी आत्मानंद शासकीय अंग्रेजी माध्यम स्कूल में बच्चे दरवाजे को ब्लैक बोर्ड बनाकर पढ़ाई करने को मजबूर है। साथ ही स्कूल गंदगी से अजा पड़ा है, जिसमें सैकड़ों की संख्या में कक्षा पहली से 12वीं तक पढ़ाई करने के लिए बच्चे आते हैं, लेकिन इस स्कूल में ब्लैक बोर्ड नहीं होने की वजह से दरवाजों को ब्लैक बोर्ड के तौर पर स्थापित कर दिया गया है, जिसमें बच्चों को दरवाजों को ही ब्लैक बोर्ड समझकर जो है पढ़ाया जाता है, जिससे बच्चे शिक्षा अर्जित कर रहे हैं। वही स्कूल परिसर में सफाई नहीं होने से गंदगी का आलम है। इस मामले को लेकर जिला शिक्षा अधिकारी को जानकारी दी गई तो उन्होंने कहा कि व्यवस्थाएं की जा रही है, स्कूल का भवन नया निर्माण किया जा रहा है, जल्द ही स्कूल का अपना भवन हो जाएगा, जिससे व्यवस्थाएं दुरुस्त हो जाएंगी। प्रिंसिपल की तरफ से ना ये व्यवस्था कराई गई थी, टेम्पररी व्यवस्था अभी इस स्कूल में, तो हमने कहा कि ये ब्लैक बोर्ड फट जा रहा है चौक के लिखने के कारण, तो मैम ने कहा कि दूसरा प्रोवाइड कराएंगे। हम लोग की क्लास में ब्लैक बोर्ड तो है बट वो फट गया है। तो कब से फटा हुआ है? बहुत दिन हो गया, लगभग 1-8 महीना। तो आप लोग दिक्कत हो रहा है पढ़ने में? हाँ दिक्कत तो हो रहा है, बट फिर भी टीचर्स अपने साइड से जितना हो सके उतने अच्छे से कोशिश कर रहे हैं कि पढ़ाएं। वही सब तो शिफ्ट हो रहे हैं, वही सब काम तो होने हैं, वही सब काम हो रहे हैं। अभी किस तरह से वैकल्पिक व्यवस्था है तो बेहतर? वैकल्पिक व्यवस्था साइंस कॉलेज के हॉस्टल में रखी है, तो बहुत अच्छी व्यवस्था तो नहीं है, लेकिन अब चूंकि वहाँ काम चल रहा है इसलिए थोड़ा सा वहाँ पर कमरे छोटे हैं, और लेकिन क्लासेस वहाँ लगाई जाएगी। ब्लैक बोर्ड नहीं है? ब्लैक बोर्ड कहाँ होगा, ये तो हॉस्टल की बिल्डिंग है ना, हॉस्टल है तो अपना लैपटॉप सैंपल दी गई। स्कूल चल रहा है ना? स्कूल तो चल रहा है। ब्लैक बोर्ड होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? नहीं, ब्लैक बोर्ड तो दिया गया है, ब्लैक बोर्ड को दरवाजे पे हम लोग लगवा दिए, ठुकवा दिए हैं, उसी पे ब्लैक बोर्ड का ही काम हो रहा है।